छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का एक मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पूरे छत्तीसगढ़ को लॉकडाउन किया जा चुका है, जिससे ये वायरस ना फैले इसके बावजूद कई लोग बेवजह घरों के बाहर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों में सख्ती बरतने की जरूरत है। गोरेला पिंडरा मरवाही में छोटे बड़े तमाम अधिकारी सड़क पर उतरकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन करें। साथ ही कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी खुद डंडे लेकर सड़क पर उतरी और लोगों को सख्त भाषा में लॉकडाउन को लेकर हिदायत दी गई। वायरस का जो संक्रमण है उसे बचाव के लिए एहतियातन हम लोगों ने पूरे जिले में, पहले नगरीय क्षेत्र में धारा 144 लागू थी, अभी उसको एक्सटेंड करते हुए, उसका विस्तार करते हुए हम लोगों ने पूरे जिले में इसको अभी हम लोगों ने लागू किया है। इसकी वजह से हम लोग पूरी जो धारा 144 है उसको एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में रायपुर से संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ गए हैं। शिवम, कलेक्टर ने तो अपना काम कर दिया, उसके बाद क्या कुछ हालात में परिवर्तन हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब पूरे प्रदेश में राज्य सरकार लॉकडाउन की स्थिति जारी कर दी है। लॉकडाउन करने के बाद 22 मार्च को जिस तरीके से जनता कर्फ्यू का समर्थन मिला था प्रदेश भर में लोगों का, उस तरीके से उसके बाद 31 मार्च तक ही ये समर्थन देखा नहीं जा रहा है। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस तरीके का जो लापरवाही है, जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं बेवजह अनावश्यक कार्यों को लेकर के, तो उसके चलते तमाम अधिकारियों को रोड पर उतर करके लोगों से अपील करने की आवश्यकता नजर आ रही है। इसी के चलते आज गोरेला पेंड्रा मारवाही जिला कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी भी स्वयं सड़कों पर उतर करके लोगों से अपील करती रही, घर जाए, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। इसके बाद काफी कुछ बदलाव देखने को मिला वहां पर, उनके अपील करने के बाद लोग इस चीज को इस चीज की जागरूकता लाए अपने दिमाग पर, और कहीं ना कहीं माहौल पहले से लेकर के अब कहीं ना कहीं माहौल बहुत ठीक है। जी पश्चिम, यहाँ एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जनता के भले के लिए ही इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और वही जनता इसको मानने को तैयार नहीं है। बात सिर्फ राजधानी रायपुर की नहीं, इसके अलावा भी कई जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। जी बिल्कुल, बात एकदम सही बात आप कह रही हैं कि देखिए ये जो भी डिसीजन लिया जा रहा है ये सब जनता की भलाई के लिए लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक महामारी का रूप लेने वाली है इस तरीके की बीमारी, तो लोगों को देखना होगा, जागरूक होना पड़ेगा कि हम सबको मिल करके साथ रह करके सहयोग करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सड़कों पर उतर करके लोगों से इस प्रकार की अपील कर रहा है, तो लोगों को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए और कहीं ना कहीं घरों पर रह करके इस चीज पर अपना भी सहयोग प्रदान करना चाहिए। लेकिन लोग इस तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं, हर जिले पर, प्रदेश पर, अलग अलग तमाम जिलों पर इस तरीके का देखा जा रहा है कि लोग किस तरीके की धारा 144 है, किस तरीके का लॉकडाउन लगा हुआ है, शहरों की सड़कों पर किस तरीके का माहौल है, चलिए हम देख करके निकलते हैं, आइए देखते हैं। तो इसके चलते हुए तमाम प्रकार की भीड़ हो जा रही है, अनावश्यक कार्य हो जा रहे हैं। जो राज्य सरकार की एडवाइजरी जारी की गई है कि जो दैनिक दिनचर्या का जो सामान है डेली नीड्स का उसे ले लिया जाए और मेडिकल खोला जाए, हॉस्पिटल खोला जाए, लेकिन उन सब का एक कहीं ना कहीं बहाना बनाया जा रहा है लोगों की ओर से कि हम दवाई लेने जा रहे हैं, हम मेडिकल जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत है। लोगों को जागरूकता लानी चाहिए और घरों पर रह करके अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। जी चलिए शिवम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। देशवासियों को कोरोना